पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित मां शक्ति दाक्षायणी मंदिर के पुजारी वासुदेव जोशी ने औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को लगाया है। उनके मंदिर की वाटिका में करीब 400 किस्मों के करीब 4000 से अधिक पौधे लहला रहे हैं। उन्हीं में से एक है निर्गुंडी का पौधा। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द के लिए किया जाता है। निर्गुंडी का सेवन करने से सूजन के साथ साथ अत्यधिक दर्द भी कम हो जाता है। इसके अलावा गंडी के पौधे में सूजन रोधी, ऐंठन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण जोड़ों को कुछ समय में उनकी स्वस्थ स्थिति में लाने में मदद करता है। निर्गुंडी पौधे की पत्तियों के अलावा तना और बीज भी लाभकारी होता है। यह पौधा स्वाद में कड़वा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है जो इसे जोड़ों के दर्द के लिए और भी अधिक प्रभावी बनाती है। इतना ही नहीं, निर्गुंडी के तेल का भी उपयोग किया जाता है। ये मैंने फेसबुक पे देखा था सेलर का, और लगभग दक्षिण भारत से ये मैंने मंगवाया था। दक्षिण भारत में ज़्यादा होता है और वहाँ से मैंने ऑनलाइन इसको परचेज किया था। दो पेड़ मंगाए थे, एक ये एक और इसी परिसर में लग रहा है। और इसमें इस पेड़ से जो है इसके सर्वांग मतलब सभी जड़ है, तना है, पत्ते है, फूल है, फल है, इन सबको मिक्स करके इसका तेल बनाया जाता है। और वो तेल आर्थराइटिस जो जॉइंट पेन की शिकायत होती है उसमें ये सबसे कारगर माना जाता है। ये मतलब साउथ आंध्रा से लगा केरला के स्टेट में, कर्नाटक है, यहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है निर्गुंडी।